नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा, मैं हूं आपके साथ शिल्पा। यूं तो सिविक एजेंसियां अवैध निर्माण गिराने के लिए सालों से बुलडोजर का इस्तेमाल करती आई है, लेकिन अब भारत में बहस बुलडोजर के राजनीतिक इस्तेमाल पर हो रही है। उत्तर प्रदेश में 37 सालों के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ लौटी, तो श्रेय केंद्र सरकार की फ्री राशन स्कीम को दिया गया, राज्य सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था को दिया गया। लेकिन यूपी में कानून का राज लौटा, इसका क्रेडिट खुद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को देते नजर आए। योगी कई रैलियों में कहते सुने गए, राज्य में अपराधियों को बुलडोजर का बहुत खौफ है। योगी की दूसरी जीत यूपी में, इसके बाद राज्य में बुलडोजर रैलियां तक निकाली गई। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के घर जब बुलडोजर से ढहाया गया, उसकी तस्वीरें भी योगी राज में खूब वायरल हुई। बुलडोजर को सत्ताधारी बीजेपी ने एक सियासी डोजर के तौर पर देखा। फिर क्या था, बाबा के प्रदेश से चला बुलडोजर मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचा, जहां रामनवमी के दिन हुई हिंसा का आरोपियों के अवैध कब्जे ढहा दिए गए। और उसके बाद बारी थी पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की, जहां अनाज जिले में बुलडोजर से दंगाइयों के कब्जे तोड़े गए। खैर, ये सभी बीजेपी शासित राज्य थे, तो विपक्ष ने एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। लेकिन बुलडोजर की ये दौड़ जब राजधानी दिल्ली पहुंची, तो सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया। हनुमान जयंती के दिन दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर बवाल हुआ। उसके बाद नगर निगम का बुलडोजर जहांगीरपुरी पहुंच गया, अवैध कब्जों को ढहाने लगा। कार्रवाई को मात्र 2 घंटे ही हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और बुलडोजर के पहियों को थाम दिया गया। बुलडोजर तो रुक गया, लेकिन राजनीति नहीं रुक रही, सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष ने बीजेपी और दिल्ली सरकार तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया, तो वही भी कहा कि उसने नियमों के तहत ढहाने का काम किया है, इसमें गलत क्या है। फिर क्या था, डेलीगेशंस पर डेलीगेशंस का जहांगीरपुरी पहुंचना शुरू हो गया। सबसे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उसके बाद कांग्रेस डेलीगेशन, CPI डेलीगेशन, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, सभी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए और हिमायती बनने की कोशिश करने लगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता तो बुलडोजर को लेकर सरकार को घेरते दिखे, लेकिन कांग्रेस की घड़ियाली आंसू उस समय दिखे जब अलवर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें राजस्थान सरकार का बुलडोजर एक मंदिर पर चलता दिखाई दिया। फिर क्या था, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति के मैदान में आने वाली बीजेपी ने तुरंत इसे लपका और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए। साफ है कि बुलडोजर को सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से बांट दिया है। एक और सांप्रदायिक बुलडोजर है, तो दूसरी तरफ सेक्युलर बुलडोजर है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये बुलडोजर एक सियासी हथियार के तौर पर आने वाले समय में नजर आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज चर्चा इसी पर। पृष्ठभूमि में विधायक की वो धमकी साफ तौर पर दिखाई दी जाती, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो। जी हाँ, मंत्री जिस तरीके से विधायक के पुत्र के खिलाफ उत्पीड़न का दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और अभी भी वो पुलिस की पहुंच से बाहर है, उसको संरक्षित करने की कोशिश हुई, और दूसरी तरफ राजगढ़ कस्बे के संभ्रांत लोगों को सबक सिखाने के लिए ये कहा गया विधायक की तरफ से कि इस तरीके से मेरे पुत्र के खिलाफ ज्ञापन क्यों दिए जाते हैं, और यदि ज्ञापन दोगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके पब्लिक डोमेन में इसके वीडियो आए हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार विधायक के दबाव में किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरा पक्ष है मुख्यमंत्री का, जो अपने विधायकों के इशारे पर इस तरीके की कार्रवाई अंजाम करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष तुष्टिकरण का भी है कि किस तरीके से अपने वोट बैंक को साधने के लिए माइनॉरिटी के लोगों को खुश किया जाए और मेजोरिटी के लोगों को उनका मनोबल गिराया जाए। जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप जरा देखिए कि जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे थे,
और मैं देखा वहाँ पे मस्जिद पे भी, जबकि बुलडोजर नहीं चले थे उसके अगल बगल चले थे जो अतिक्रमण था, लेकिन वहाँ पे जागीरपुरी में उठा रहे थे कि भाई मंदिर को क्यों नहीं तोड़ दिया पास में। हमें लगता है कि जागीरपुरी के जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या पे जो कार्रवाई हो रही थी उसका बदला इन्होंने जा करके राजस्थान में ले लिया। हमारे 300 वर्ष पुराने मंदिर को जिस प्रकार से बेइज्जती कर करके उसको तोड़ दिया जेसीबी मशीन से, तो सीधा लग रहा है। और राहुल और प्रियंका तो मौन है, बाकी जितने भी पक्ष के नेता हैं वो लग रहा है कि अब गहरी निद्र में सो रहे हैं। तो ये तो ऐसे जो छद्म धर्मनिरपेक्ष के नेता हैं इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तमाम प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, आनी अलग अलग दलों से शुरू हो चुकी है, बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन बुलडोजर क्या सियासी दलों के लिए बन चुका वोटडोजर? यूपी में मॉडल हिट होने के बाद क्या दिल्ली में इसकी कोशिश? सांप्रदायिक बुलडोजर बनाम सेक्युलर बुलडोजर, कैसी है ये लड़ाई? अलवर में बुलडोजर पर आपत्ति, फिर दिल्ली में क्यों ढहाई संपत्ति? राहुल के बुलडोजर पर सवाल, फिर अलवर में क्यों मचा बवाल? योगी का बुलडोजर बनाम गहलोत का बुलडोजर, आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है, पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्मगुरु महंत राम प्रवेश दास महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर में मुस्लिम स्कॉलर उमेर खान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धनंजय गिरी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी सर। अलवर में बुलडोजर पर आपत्ति, तो फिर दिल्ली में क्यों ढाई संपत्ति? विपक्ष घेर रहा है, दो चेहरे बता रहा है बीजेपी के। दोनों दो चीजें, अगर दिल्ली की आप बात करें तो वहां अवैध बनी कॉलोनियों की, जहां की रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग आकर के बसे हुए हैं, जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। और मंदिर को हटाने का बात नहीं है, मंदिर विध्वंस और मंदिर का स्थानांतरण दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी आप कांग्रेस अध्यक्ष का दिखा रहे थे कि प्रस्ताव पास हुआ मंदिर हटाने का, तो बिल्कुल जब वहां निर्माण कार्य हो रहा हो, कोई विस्तार का काम हो रहा हो, कोई विकास का कार्य हो रहा हो और मंदिर उसमें आ रहा हो, तो मंदिर का शिफ्टिंग हो जाती है, मंदिर का स्थानांतरण किया जाता है। लेकिन मंदिर का स्थानांतरण और मंदिर का विध्वंस दोनों दो चीजें हैं। इसमें मनसा महत्वपूर्ण है, आपकी मानसिकता क्या है विकास कार्यों के लिए, सरकार मंदिर का स्थानांतरण करे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलवर जिला के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को ढहाने के लिए विकास की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन मूर्तियों को तोड़ने के पीछे मनसा क्या है, जो सीधे सीधे हिंदुओं के आस्था पर आक्रमण है। ये सीधा सीधा आक्रमण है, यह कांग्रेस को उस हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करती है जिसने राम को 10 कोस लटकाए रखा। यह वही पार्टी है जो राम के जन्म पर सवाल उठाती रही, यह मंदिर विध्वंस का समर्थन और मंदिर का विरोधी रही है, इसने कोर्ट में एफिडेविट किया है कि राम काल्पनिक थे। ये तो कांग्रेस का कल्चर है और कांग्रेस का बैकग्राउंड में, यानी कि अतिक्रमण के रास्ते में अगर मंदिर पड़ रहा है तो उसके ढाए जाने से आपको तब आपत्ति नहीं होती, अगर उसे पहले शिफ्ट कर दिया गया होता? आपको आपत्ति इसी बात पर हो रही है कि शिफ्टिंग से पहले उसे ध्वस्त किया गया, उसको शिफ्ट किया जाए, उसके मूर्तियों को खंडित करना, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, हम उसे जीवंत मानते हैं, और उसको खंडित करना तो यह अपराध है, घोर अपराध है, जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है, इसकी माफी नहीं दी जा सकती है, ये क्राइम है, हीनियस क्राइम। ठीक है, क्राइम किया है यहाँ पर कांग्रेस ने राजस्थान में डॉक्टर वरुण पुरोहित, जवाब दीजिए। और ये सर ये चल क्या रहा है बुलडोजर को लेकर? तेरा बुलडोजर, मेरा बुलडोजर, अलग राज्य अलग सरकारें, क्या बुलडोजर भी अलग हो जाएगा? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप अलवर का प्रकरण आपने खुद ने बताया, आपने देख लिया बीजेपी का बोर्ड वहां था, जो कैसे सुबह के बाद में जब इनको ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, तो फटाफट अपने सब जने इनके वक्तव्य बदलने लग गए। गुजरात के अंदर जब 2008 में मोदी जी की सरकार ने
80 मंदिरों को हटाया जब ये कुछ नहीं बोल रहे, विश्व हिंदू परिषद ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था। वाराणसी में जब मंदिर बचाओ आंदोलन करे, उन स्वामी जी के ऊपर इन्होंने केस लगा दिया। वहाँ नहीं थे क्या हजारों साल पुराने मंदिर? वसुंधरा जी ने जयपुर, जो आप धरोहर की बात कर रहे थे, 300 साल की जयपुर को, तो बहुत पुराना मंदिर था छोटी चौपड़ पे, और वो काला स्टोन था जो मिलता नहीं है, उससे मंदिर बनाया हुआ था, और उसके आसपास के छोटे मंदिर भी थे। वसुंधरा सरकार ने बड़ी ब्रूटेलिटी से, जो आज ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, उस मंदिर को ढहा दिया था। उसकी फोटोएं सारे मीडिया ने दिखाई थी। उसको फिर आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, हम लोगों ने भी आंदोलन किया, पब्लिक ने भी किया, वो उनको वापस रीएस्टेब्लिश करना पड़ा, लेकिन उस पत्थर से नहीं किया जो ओरिजिनल पत्थर था, उन्होंने करौली स्टोन से बना दिया। वो पत्थर कहाँ गया? बीजेपी वालों से पूछो, वो पत्थर कहाँ गया? ये जो पुराने प्राचीन पत्थर हैं, ये कहाँ गायब हो रहे हैं देश में से, मंदिरों से? और जब दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली में इनका बोर्ड, केंद्र में इनकी सरकार, अलवर की बात आप करते हो तो इनका, अब लोकल बॉडीज कह दोगे कांग्रेस सरकार काम नहीं करने देती। अरे भाई, हमारी डेमोक्रेटिक सरकार है। आप अभी एमएलए के बारे में सुन रहे थे, सतीश पूनिया जी आरोप लगा रहे थे, तो हमारी डेमोक्रेसी, जब भी तो हमने कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये तो किसानों को रौंदने वाले, गाड़ी से रौंदने वाले को बचाते हैं, हम नहीं बचाते। हमारे कांग्रेस का कोई होता है? अभी इन्होंने वक्तव्य में एक शब्द लिए, कांग्रेस कल्चर है, कांग्रेस की ऐसी कल्चर है। तो भैया, ऐसे कल्चर, कांग्रेस कल्चर के लोगों को आप अपने साथ लेके सरकारें क्यों बना रहे थे? इसका मतलब आप तो जो गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनको लेके आप सरकारें बना रहे हो। इनकी सत्ता की हवस, हिंदू हितैषियों की लालसा दावा करती है, असल में है नहीं। अगर होती तो 340 पुराने मंदिर को इस तरह से टूटने नहीं दिया जाता। चेहरा बेनकाब हुआ है कांग्रेस का, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है कांग्रेस ने। शिल्पा जी, भारतीय, आप मुझे बताइए, 75 साल आजादी के हो गए, 54 साल कांग्रेस का राज रहा है। अगर हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को हम नहीं संभाल के रखते, तो आज ये बोल पाते क्या टीवी के ऊपर? कहाँ बैठे होते ये? अगर हम ये जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, इन्हें संपन्न हो गए देश में, हमने संपन्न किया, जब भी तो आज बोल पा रहे हैं। और जहाँ तक राम मंदिर का प्रश्न है, इनका क्या योगदान है? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, ताले खुले राजीव गांधी जी के जमाने में, शिलान्यास कांग्रेस के जमाने में, इन्होंने क्या किया, क्या योगदान है? ये तो झूठा क्रेडिट ले रहे हैं इन्होंने। जैसे जो आप शब्द का उपयोग करते हो हिंदू, मैं बात करता हूँ भारतीय वैदिक संस्कृति की, ये हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं, मुझे पता नहीं किसको हिंदू कहते हैं। मैं नॉन इस्लामिक वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, पता नहीं ये जो विद्वान लोग हैं इनको पता होगा हिंदू शब्द का कौन से शास्त्र में, कौन से पुराण में उपयोग हुआ है। लेकिन जो हम लोग हैं, हमने भारतीय संस्कृति के अनुसार, आप मुझे बताइए क्या काम नहीं किया देश के लिए? अगर नहीं किया होता तो आज ये बोलने लायक नहीं होते, ये संपन्न नहीं होते, ये सत्ता में नहीं होते। लोकतंत्र के अंदर मैंने आपको कहा मूर्खतंत्र चल रहा है, मैंने मेरे शब्द नहीं लिए, एक बहुत बड़े लेखक हैं टीवी पे एथिक्स के नाते नाम नहीं लेता हूँ, उन्होंने अपने आर्टिकल लिखे हैं, अंतहीन मूर्खता देश में चल रही है, उसको मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया भाई लोकतंत्र पे, मूर्खतंत्र हावी है। काम खुद कर रहे हैं, नाम कांग्रेस का लगा रहे हैं। भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम भूल गए, उसका नाम भी तो लीजिए आप। खरगोन में होता है, गुजरात में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, तो वो मुख्यमंत्री तो दोषी नहीं है। राजस्थान में कुछ हो जाए जहाँ इनका बोर्ड है, तो कांग्रेस दोषी है। तो इसका तो मैंने कहा ना, कोई इलाज नहीं इन लोगों का, इनके एक फोबिया हो चुका है कांग्रेस और राहुल गांधी, गांधी परिवार को, इनको एक समझ में आया हुआ है फैक्टर, फोबिया किसी है, किसी नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण जो देश को बेच रहे हैं, उससे कांग्रेस पर आरोप मर देती है, कांग्रेस बीजेपी पर। चलिए ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर कौशिक भी जुड़े हुए सर। आप मेरी बात, तो आपको प्रॉपर समय दिया गया और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, आपके पास लौटती हूँ एक बार, सभी से मैं जल्दी ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 10 सेकंड मांग रहा था, 10 सेकंड मांग, ठीक है, टेक योर 10 सेकंड्स एंड कंप्लीट योरसेल्फ। 10 सेकंड मुझे आप दे दो, कंप्लीट योरसेल्फ। मैं आई वांटेड टू कंप्लीट माय वर्जन। मैं ये कह रहा था कि अगर राज्य हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का शासन नहीं होता, ये कुछ बोल नहीं सकते थे। आज इन्होंने वाराणसी के ऊपर, गुजरात के ऊपर, ये बोलते नहीं है। अगर कोई दोषी है, अगर अशोक गहलोत की सरकार दोषी है, तो पूरे दूसरे मुख्यमंत्री भी दोषी है। बात करो तो आप यूनिवर्सल करो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखो, न्यायिक प्रक्रिया अपनाओ। मैं कब मना कर रहा हूँ? अगर आप जो न्यायिक प्रक्रिया, आप खरगोन में कहते हो हमने तोड़ दिए दंगाइयों के मकान, तो जो रेप होते हैं, गैंग रेपिस्ट होते हैं, उनका भी 24 घंटे में करो भाई प्रक्रिया। मैं कब मना कर रहा हूँ? कांग्रेस और गांधी परिवार को दोषी। जी 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 बोलिए। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस को समझ ही में नहीं आ रहा है कि मंदिर का स्थानांतरण, मैंने पहले भी कहा, और मूर्ति का खंडन, मूर्ति भंजन, दोनों दो चीजें हैं।
हमारे यहाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसका भंजन करना एक तुर्की मानसिकता है, आक्रामक मानसिकता है, और हिंदू धर्म पे सनातन संस्कृति पे सीधा हमला है। और ये कांग्रेस को खुद को खारिज कर रही है। राहुल गांधी कह रहे थे कि मंदिर जो लोग जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। और वही जब चुनाव आता है तो कपड़े के ऊपर से कोट के ऊपर से जनेऊ लगा के मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमने लगते हैं, ये राहुल गांधी का काम है। और यही कांग्रेस पार्टी है जो कोर्ट में एफिडेविट कर कहती है कि राम काल्पनिक थे। तो भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का कांग्रेस ने यथासंभव प्रयास किया, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और ये संस्कृति ऐसी अक्षुण बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है कि इसको लाख कोशिश कर ले, राजसत्ता के सहारे तो चला नहीं है। चलिए ठीक है सर, कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन आज चर्चा यहाँ पर हो रही है बुलडोजर की, उसकी द्वारा अंजाम दी जा रही कार्रवाई की। चलिए ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक गुजरे हुए। डॉक्टर सुनील कौशिक, बुलडोजर तो भाई बुलडोजर होता है, लेकिन यहाँ तो तेरा बुलडोजर, मेरा बुलडोजर, कम्युनल बुलडोजर, सेक्युलर बुलडोजर, तमाम तरह के बुलडोजर आ गए हैं सियासी अखाड़े में, क्या लग रहा है सर? देखो शिल्पा, ये समझना पड़ेगा इस राजनीति को, कोई भी घटना यदि राजस्थान में होती है तो बीजेपी बवाल करेगी, हाँ। और वही सेम घटना उत्तर प्रदेश में होती है, हाँ। तो कांग्रेस बवाल करेगी, हाँ। यदि वही मंदिर गुजरात में तोड़े जाते हैं तो कांग्रेस विवाद करेगी, आंदोलन करेगी, और वही मंदिर राजस्थान में तोड़े जाते हैं तो बीजेपी विवाद करेगी, हाँ। ये जनता समझे क्या कि आखिर में आपकी नीति है क्या, किन के हिसाब से आप इस देश को चलाना चाह रहे हैं? कोई भी घटना घटना होती है, यदि आप सारे राजनीतिक दल उस पर राजनीति न करें, केवल सही कहें, और इस पर आप देखेंगे कि सिर्फ कौन सा वोट बैंक प्रभावित होगा, हाँ। अवैध यदि अवैध मकान गिराए जाएंगे, अवैध तमाम चीज़ें बनी हुई हैं गिराई जाएगी, तो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आपत्ति होगी, और ये कहा जाएगा कि विशेष वर्ग को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें मैं और भी सारे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट, तमाम निर्णय दें, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था दिल्ली में कितनी झुग्गी झोपड़ियां उनको उठाए जाए रेलवे के किनारे, क्या वास्तव में सरकार ने उस पर कदम उठाया? तमाम कांग्रेस की सरकार रहते हुए तमाम कॉलोनियां वहां डेवलप हुई, उनको नियमित करने की बात पे तमाम 15 साल तक कांग्रेस रही, उसी नियमितीकरण को लेकर के आपने मुद्दा उठाया और आप सत्ता में आ गई, क्या वो कितने % नियमितीकरण हुए? यदि आपने अवैध मकान बनाए दिल्ली में तो उनका हुआ क्या आखिर में? इस पे कोई श्वेत पत्र जारी होगा क्या? या उत्तर प्रदेश में कोई भी घटनाएं हुई हैं, चाहे किसी एक वर्ग को लेकर के साथ हो, मैं कह रहा हूँ लगभग सारे वर्ग को लेकर के है, तो उस पर आपत्ति क्यों? क्या हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले तालाबों को लेकर के एक निर्णय लिया था? तमाम तालाबों पर बहुत सारे लोगों ने मकान बना रखे हैं, और एक पानी की समस्या को लेकर के जब एक एनजीओ जाता है और ये बात रखता है, तो हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि जितने भी तालाब पे कब्जे हैं उनको हटाया जाए। क्या हुआ उसमें? समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए वो आदेश आया, समाजवादी पार्टी 5 साल रह ली, भारतीय जनता पार्टी 5 साल रह ली, दूसरा चरण मिल गया, हाँ। आखिर में हुआ क्या? यही हाई कोर्ट निर्णय कहता है कि यदि प्राइमरी या जूनियर के स्कूलों में अधिकारियों और नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे, हाँ। तो उनको अनिवार्य किया जाए, हाँ। क्या हुआ उस पर? हाँ। केवल और केवल राजनीतिक दलों को हमारा वोट बैंक कैसे सदे और कैसे हम माहौल बनाएं, उसी घटनाक्रम को तूल दिया जाता है। राजस्थान में भी आपने देखा हो, एक रेप को लेकर के घटना हुई, क्या हुआ? बीजेपी ने बहुत विवाद किया। उत्तर प्रदेश में लेकर के घटना हुई तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने उत्पाद मचाया। घटना एक सी है, लेकिन राजनीति दो तरीके की है। यदि भाजपा को वहां आपत्ति है तो यहां भी आपत्ति होनी चाहिए थी, यदि कांग्रेस को यहां आपत्ति है तो वहां भी आपत्ति होनी चाहिए थी, क्योंकि घटना से घटना एक सी है, हाँ। लेकिन केवल अपने राजनीतिक दलों के लोगों को बचाने का प्रयास, अपनी सरकार का पक्ष रखोगे, हाँ। और सही को गलत, गलत को सही कहने की बातें आएंगी, हाँ। तो मुझे लगता है राजनीति हो रही है और इस देश की जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, बुलडोजर की कार्रवाई असल में सही कहाँ है और गलत कहाँ है, सियासत के चलते कहाँ इसे अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ भास्कर जी भी लगातार जुड़े हुए। भास्कर साहब, कुल मिलाकर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर, और देखिए ना उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर मॉडल इतना हीट हुआ कि अन्य तमाम राज्य में भी अपनी धाक जमाता हुआ। के माध्यम से जब भारतीय राजनीति में जो पहले हम शब्द सुनते थे, हम सुनते थे किसान नेता, मजदूर नेता, विद्यार्थियों के नेता, युवाओं के नेता, ये नेता शब्द हम सुनते थे जो काम करते थे समाज के वर्गों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो एक नया इन्होंने पॉलिटिकल जो एजेंडा चलाया है, मैं कहूंगा एक अब नए नए इनके नए नाम आए, कोई बुलडोजर बाबा है, कोई बुलडोजर
अंदर मामा है और निश्चित तौर पे हमें बुलडोजर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बुलडोजर किसी धर्म विशेष के लिए चलता है, जब ये बुलडोजर अपने विरोधियों को निपटाने के लिए चलता है, तब समाजवादी पार्टी के लोगों को दिक्कत होती है। और ये दिक्कत हमारी नहीं है, ये दिक्कत है उन जनमानस की, उन गरीब लोगों की, उन लोगों की जिन्होंने घर बनाया, जैसे जैसे घर बनाया। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर घर और दुकान किसी की उजड़ रही है तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है, मत जाइए धर्म के चक्कर में। अगर आज किसी की दुकान और मकान उजड़ रहा है और आप खुश है तो समझिए अनंत नंबर आपका है। हेट पॉलिटिक्स के बीच जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बोए थे वो निश्चित तौर पर देश में फैल रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, ये निश्चित तौर पर धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं किसी का बचाव करने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, किसी धर्म विशेष पर करे, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं प्रदेश को, इस देश को गंगा जमुना तहजीब से, जिसको हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार चला जाए। ये बात होनी चाहिए। ये बुलडोजर जब अभी हम उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, एक विधायक जी की इमारत पर ये बुलडोजर चलाने लगे, तो लेकिन जैसे ही वो विधायक सत्ताधारी का आया, वो बुलडोजर रुक गया। हमें यहाँ पर दिक्कत लाना होने लगी है, जब एक राजनीतिक दल का, एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक तो अपना बुलडोजर रुकवाता है, लेकिन एक विपक्षी पार्टी का पेट्रोल पंप और उनकी इमारतों को ढहाने का टारगेट फिक्स करने का, और जब तक इनके साथ थे, एक मैं कहना चाहता हूं विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, तब तक उनकी बिल्डिंगें सब जायज थी, लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी में आए, अब की बार उन्होंने जैसे योगी जी का विरोध करा, बुलडोजर उन पर चढ़ गया है। ये इस तरह की जो डबल पॉलिसी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जो गंगा जल लेके ये चलते हैं, गंगा जल लेके चलते हैं, इनके पास चले जाओ तो शुद्ध हो जाता है वरना अशुद्ध होता है, हम इसका विरोध करना चाहते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, महंत राम प्रवेश दास महाराज जी। महाराज जी, आप बुलडोजर किस कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से दिल्ली में बुलडोजर चला, जिस तरह से राजस्थान के अलवर में बुलडोजर चला, दोनों में समानता दिखाई देती है या आपको भी अलग अलग नजर आ रहा है एंगल? नहीं नहीं, ये बुलडोजर से मतलब नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा अहित हुआ है। ये 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर को तोड़ना और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़ना, इससे बड़ा हिंदू समाज का दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। ये बुलडोजर और विकास की बात, राजनीति की बात अलग है, ये हमारे सनातन धर्म पर सीधा सीधा प्रहार किया गया। और हम अयोध्या वासी, अयोध्या के सभी संत महंत इसका घोर निंदा करते हैं, और निंदा ही नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी हमारे सभी हिंदू भाइयों को जगाने का काम किया जाएगा। ये शुरू से कांग्रेस की नीति रही है कि हिंदू को कैसे नीचा किया जा सके, हिंदू धर्म को कैसे नीचा दिखाया जा सके, शुरू से प्रयास रहा है। और ये भगवान शिव के मंदिर को तोड़ना, प्राचीन मंदिर मंदिर था, पक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बुलडोजर के जरिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू के खिलाफ कार्रवाई कर रही है बुलडोजर के जरिए? ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ हमारे षड्यंत्र रचा गया है कि किस तरह से हिंदू धर्म को ये नीचा दिखाया जाए, कैसे बदला लिया जा सके। उस समय गजनी ने आकर के मंदिर तोड़ा था, आज हमारे कांग्रेस के भाई अभी जो इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि अगर हम कांग्रेस के लोग ना होते तो ये लोग कहाँ क्या बोलते, अरे कांग्रेस वाले ने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठाया था, वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा की, उन्होंने कब रक्षा की, वो तो जहां जरूरत पड़ी है वहां सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम किए, कभी भी सनातन धर्म को ऊपर करने का, हिंदुत्व को ऊपर बढ़ाने का काम नहीं किया है। और आज बोल रहे हैं कि हम नहीं रहते तो ये क्या टीवी पर आकर बोलते। लेकिन बुलडोजर पर इतना बवाल मचा क्यों हुआ है सर? हम अयोध्या के सभी संत महंत इसके घोर निंदा करते हैं। भाईचारा एक तरफ है, अलवर नहीं, देश में कहीं भी इस तरह का शिव मंदिर या कोई भी मंदिर तोड़ा जाएगा, इसका हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन बुलडोजर पर इतनी सियासत पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर जो जैसा कर रहा है, बुलडोजर किसका अवैध कब्जा है, अभी उसको तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान शिव के मंदिर को तोड़ना और मूर्ति को खंडित करना, ये सरासर घोर निंदनीय विषय है। ठीक है डॉक्टर वरुण, जल्दी से आपसे इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी। कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अवैध निर्माण अगर कहीं पर है, अतिक्रमण अगर कहीं पर है, हटा दीजिए, लेकिन कम से कम जब मंदिर जैसे मुद्दे सामने आते हैं जिनके साथ सीधे सीधे आस्था जुड़ी हुई होती है, कम से कम वहां पर तो थोड़ा
ध्यान से कार्रवाई होनी चाहिए थी, पहले शिफ्टिंग होती उसके बाद आप हटवा देते। शिल्पा जी, सबसे पहले इनसे वसुंधरा जी ने जो एक्शन किया था उस पर बात कर लीजिए, उसको क्रिटिसाइज ये नहीं करेंगे। ये इनका सबसे बड़ी ड्यूअल पॉलिसी है। बात करते हैं कांग्रेस कल्चर की, तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के आदमी लेके सरकारें क्यों बनाते हो भैया? फिर कांग्रेस के लोग गंदे हैं तो आपको सरकार बनाने के लिए तो अच्छे नगले लग जाते हैं। फिर ये सारा जो इनका प्रकरण प्लानिंग है, ये जो चुनाव आने वाले हैं 3-4 राज्यों के, उसकी प्लानिंग है। लेकिन सर ये भी तो देखिए, आप देखिएगा साल भर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, चुनाव आने तक राज्यों में है सर, उस पर भी तो गौर किया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। जो खड़े में चर्चा हो रही है बुलडोजर पर मचे बवाल की और उसके बाद हो रही सियासत की। यूपी में मॉडल हिट होने के बाद क्या दिल्ली में ये कोशिश की जा रही है रिपीट, सांप्रदायिक बुलडोजर बनाम सेक्युलर बुलडोजर, ही बुलडोजर के कितने रूप निकाल दिए गए हैं? अलवर में बुलडोजर पर आपत्ति, फिर दिल्ली में क्यों ढाई ये संपत्ति? राहुल के बुलडोजर पर सवाल, फिर अलवर में क्यों मचा बवाल? योगी का बुलडोजर बनाम गहलोत का बुलडोजर, ये लड़ाई बुलडोजर पर जो आ गई है वो किस तरफ आगे देश को समाज को ले जाती हुई? आज इन तमाम सवालों के जवाब खोज रहे हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ, एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए कौशिक साहब आ जाए, बुलडोजर में इनको वोट डोजर दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से हर दल कहीं हम पीछे ना रह जाए, हम पीछे ना रह जाए, तमाम प्रतिनिधि मंडल एक एक करके वहां पर पहुंचते हुए हर संभव प्रयास के जरिए, हर संभव बयान के जरिए मौके पर चौका मारते हुए। देखो शिल्पा, बुलडोजर चलना कोई बेकार बात नहीं है, अच्छी बात है, बुलडोजर चलना भी चाहिए, लेकिन सब पर चलना चाहिए, टारगेट करके नहीं चलना चाहिए। यदि समाजवादी पार्टी चलता है या पूर्व विधायक पर चलता है तो भाजपा के कांग्रेस के विधायक पर भी चलना चाहिए, यदि मुसलमानों के साथ चल रहा है तो हिंदुओं पर भी चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं सवाल उठेगा ही नहीं, कौन सा राजनीतिक दल किस मुंह से किस डिबेट में पब्लिक के सामने कैसे कहेगा, लेकिन सरकार मौका देगी तो निश्चित तौर से सवाल उठेंगे। और मैं जहां तक कह सकता हूं कि अपने से शुरुआत करिए ना, अपने लोगों से शुरुआत कीजिए ना, मौका मिलेगा ही नहीं। कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप ही के चैनल पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पे अवैध निर्माण हुआ है लखनऊ में। यदि वो झूठ बोल रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, यदि वो सच बोल रहे हैं तो शुरुआत भाजपा को वहां से करनी चाहिए, तब सवाल नहीं उठेगा। लेकिन हाँ, सवाल थोड़ा, राजनीति होती है, हम लोग भी समझते हैं राजनीति 18-20 चलता है, 19-20 चलता है, जब 10 और 20 चलाने लगेंगे तो सवाल उठेगा। यद हिंदू धर्म गुरु हैं, यद वसुंधरा राजे के सरकार रहते हुए मंदिर गिरते हैं और उन्होंने वो आंदोलन किया तो अब भी करना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार में नहीं किया और कांग्रेस की सरकार में रहते कोई कार्रवाई होती है तो सवाल उठेंगे। दिक्कत ये है कि आप राजनीति पर होना चाहिए, कैसे करने लगे, जिस तरीके से मैं जो समाजवादी पत्ता बैठे हैं, मैंने बिल्कुल भास्कर साहब की, जोशी साहब की बात से सहमत हूं कि वो व्यक्ति जब भाजपा में विधायक थे तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, और लेकिन वो मौर्या जी के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका सारा किला गिरा दिया गया, लेकिन वो सारा जो भी उन्होंने अपना बनाया वो भाजपा की सरकार में रहते हुए डेवलप किया उसको, तब सरकारी कर्मचारी कहां थे। तो यद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं स्वच्छ छवि के हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, निर्णय अपने स्तर से लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ये आरोप लग रहे हैं तो उनको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि उनके अफसर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, टारगेट करके कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता। कि आप स्थापना करने की बात करते हैं और राम राज्य में यदि ऐसा होने लगे, हो सकता है कुछ अफसर हैं, जैसे नोएडा में कल हुआ कि बरायत निकलने से पहले ही पुलिस ने उनको कब्जे में ले लिया, ये कौन सा कानून कहता है कि आप आवाज ज्यादा तेज बजाएंगे? अरे बजा नहीं, बरात चढ़ी नहीं और आपने उसको कब्जे में ले लिया। सेक्टर 50 है नोएडा में, जहां मुस्लिम रहते ही नहीं, एक तो परिवार रहता है वहां, मस्जिद बड़े अच्छे से बड़े लाउडस्पीकर पर चलती है, तो ये अधिकारियों को नहीं समझ में आता। ये ऐसी बातें करने लगेंगे, वहां जाके समझाने की बात करें, सिस्टम करें तो नकता नहीं, लेकिन आप टारगेट करके करेंगे, बाई बाई लूटने के लिए करेंगे, बुलडोजर हमने समानता के साथ करेंगे तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होंगे, भाजपा पंचम तले अनक से हमारी पीठ थपथपाएगा, तो ये सब नहीं चलने वाला। ये भाजपा के भी वरिष्ठ नेता इस बात पे ध्यान रखें, यदि ऐसी राजनीति कुछ अफसर कर रहे हैं अपनी पीठ थपथपाने के लिए तो मुझे लगता है उन पर भी कार्रवाई करने की, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, और शुरुआत क्यों ना अपने ही घर से की जाए। धनंजय गिरी जी, जल्दी से जवाब, उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ उमेर खान भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले गिरी साहब जल्दी से आपका रिएक्शन।
शिल्पा जी, मैं आपका और अपने सम्मानित सारे पैनल को एक बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बुलडोजर पर न जाए। बात बुलडोजर की करके आप विषय को डायलूट कर रहे हैं। मामला बुलडोजर का नहीं है। बुलडोजर किसी अवैध निर्माण पर चला, किस निर्माण पर चला, किसने परमिशन लिया था, किसने नहीं लिया था, कौन कोर्ट में जाएगा, स्टे लेगा, सरकार गलत गिराएगी, सरकार पे कार्रवाई होगी। हाँ। किसी को गलत गिरा नहीं सकती है सरकार, कोर्ट से स्टे लेके आएगा। विषय ये नहीं है कि बुलडोजर कहाँ चल रहा है। विषय बात बुलडोजर की बात उठाकर विषय को डायलूट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं के जो प्रेम धनंजय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। वो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? हाँ बोलिए बोलिए, आ गया बस। मैं इस विषय पे हूँ और अगर इस विषय पे आप बात करें तो ठीक है, तो बुलडोजर पे सेपरेट डिस्कशन कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मंदिर का को विध्वंस किया गया है। मामला ये है, हिंदुओं की प्रेरणा स्थली को तोड़ा गया है, हिंदू जनमानस के ऊपर हमला किया गया है। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश और कुत्सित राजनीति का हिस्सा है। लेकिन कौशिक साहब ने भी बोला ना कि वसुंधरा राजे के समय में जो कुछ हुआ था, तब क्या आप लोगों ने हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई थी? दो इबादत घर कोई हो, उसकी शिफ्टिंग एक अलग मामला है, उसको उठा करके दूसरे जगह ले जाना एक अलग मामला है, और उसको खंडित कर देना, मूर्तियों को तोड़ देना, उसको विध्वंस कर देना, ये दूसरा मामला है। मैं अभी भी इस पक्ष में हूँ कि आप चुप करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। कोई चले ठीक है, वो कहते हैं ना कोई अपनी गिरबान में झांकने की कोशिश करता नहीं है और ना ही करेगा। चले आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ ठीक है उमेर खान जी भी जुड़े हुए, उमेर खान हमारे साथ जुड़े हुए, मुस्लिम स्कॉलर है। उमेर खान, क्या आपको भी यही लग रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, एक पक्ष को, एक समुदाय को बुलडोजर के जरिए टारगेट किया जा रहा है, या फिर जहां जहां अवैध कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण है, वहां पर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल सही है। पिछले कुछ सालों में आप देख लीजिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर से, जो शुरू हुआ है कि कहीं भी दंगा होता है, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के मकानों को, दुकानों को छाट छाट कर बिल्डोजर से गिरा दिया जाता है, और जहांगीरपुरी में मस्जिद को टारगेट करके बहुसंख्यक आबादी को यह मैसेज दिया जाता है कि देखो जिस मस्जिद से पथराव हुआ था हमने वहां पर भी अपना बिल्डोजर चला दिया। मैडम, ये अगर यही चलेगा तो मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितनी भी कोर्ट हैं सब में ताला लगा देना चाहिए, किसी कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर यही सब आप करेंगे, बीजेपी का एक प्रदेश अध्यक्ष एक लेटर भेजता है और उसको कानून समझकर दिल्ली का एमसीडी फौरन बिल्डोजर चला देता है, कोई नियम कोई कानून नहीं, सबको बालाए ताक रख दिया गया है। मैडम, ये सब नहीं चलने वाला है। अगर यही सब चलेगा तो अराजकता फैलेगी। अरे, और ऐसे तो आपको देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? पिछले अभी किसने स्टे लगवाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया ना, फिलहाल स्टे लगवा दिया ना, तो आपको अभी विश्वास नहीं है? मैडम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां पर तोड़फोड़ हुई है। कौन से आदेश की बात कर रही हैं आप? पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मस्जिद के गेट को गिराया गया और सही टाइमिंग नहीं थी। अगर वो गलत था ठीक है, इस पर जल्दी से जवाब दीजिए गिरि साहब जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो आप लोग मानते नहीं है, एमसीडी तो तब रुकी नहीं, और बात करते हैं आप हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचने की राजस्थान में, क्यों? क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। शिल्पा जी एक बात समझ लीजिए, इस देश का मैं ही नहीं, इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने आस्था के प्रतीक भगवान राम के मंदिर के लिए 500 साल इंतजार किया जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आ गया। हम न्यायालय का उस स्तर तक सम्मान करते हैं। और वहीं एक दूसरा समाज है जो एक महिला को न्याय दिलाने के लिए साहबानों के लिए कई जजों की बेंच ने कह दिया कि इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नहीं माना इस्लामिक समाज ने, और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बता दिया। इनका एक ही चीज है, ये किसी न्याय व्यवस्था को नहीं मानते हैं, किसी को। आप बताइए, हाथ में पिस्तौल लेकर दिन दहाड़े पुलिस वाले पर, पुलिस अफसर पर गोली चला देना, उस पर हमारे मुस्लिम स्कॉलर कुछ नहीं बोल रहे हैं? मुझे लज्जा आती है, स्कॉलर है ये, इन मुझे शर्म आ रही है इनके ऊपर। इनको कुछ तो बोलना चाहिए, कम से कम तो बोलना चाहिए कि गलत क्या उसने, दिन दहाड़े गोली चलाई, पुलिस गोली चलाई थी, दिन दहाड़े उसके बारे में घर है वहां पर, वहां से पत्थर बरसाए गए,
क्या जरूरत है वहाँ पत्थर बरसाने की? ठीक है भाईजान, कुछ तो बोलिए उस पर, कम से कम जहनियत तो रखिए, कम से कम सच को सच कहने का मादा तो रखिए। कौन सी कानून व्यवस्था को मानते हैं? जब कानून मानने की बात आती है तो सरिया मानने लगते हैं, सरिया कानून की बात करने लगते हैं। ठीक है उमेश जी, जल्दी से जवाब आपको उसके बाद भाजपा सभापति के पास आ रही एनएसए की कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ। मैडम मैं कहता हूँ, ये कह रहे हैं पिस्टल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो भी शॉटगन ले रहा है, तमंचा ले रहा है, तलवार ले रहा है, आप एनएसए की कार्रवाई कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए उसके खिलाफ। लेकिन कार्रवाई बराबर की होनी चाहिए, हथियारों का प्रदर्शन बराबर की होनी चाहिए, दोनों समुदाय में से जो भी कानून का उल्लंघन करें कि दोनों में से किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, भास्कर साहब का भी जैसे कुछ कहना चाहिए। भास्कर साहब, भास्कर साहब, लहराने वाला सियासी दल राजनीति तो कर रहे हैं, वोट बैंक तो देख रहे हैं, लेकिन सर खामियाजा यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारे को उठाना पड़ रहा है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, आज जो बुलडोजर है वो एक भाई का पर्याय बन चुका है, और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ अपने विरोधियों को निपटाने का एक साधन बन चुका है। इसके साथ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अभी पर यहाँ पर धार्मिक गुरु जो बैठे थे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि भगवान राम को हम लेके आए, और जब ये भगवान राम को लेके आने की बात कहते हैं, शिल्पा जी मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, लॉ का, मुझे बार बार किताबों में वापिस जाना पड़ता है, और जब मैं किताबों को खंगाल के देखता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पाता हूँ कि भगवान राम को ये लोग भी लाए थे, भगवान राम को राजा दशरथ और माता कौशल्या लाए थे, ये देश को भटकाने का काम करते हैं, देश के युवाओं को, देश के आने वाली पीढ़ी को भटकाने का काम अगर कोई करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और ऐसे धर्म गुरु करें जो ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले राम को लाने वाले होते हैं। ये राम को लाने वाले होते कौन कौन है? राम तो कणकण में है। ये इस तरह की बातें करते हैं, मुझे बार बार किताबों में दुआ लगाना पड़ता है। ये कहते हैं कि भाई 70 सालों तक भगवान राम को, रामलला को वहाँ टेंट में रहना पड़ा, उनका टेंट हटाकर भवन बनाने का काम हमने किया, उस तरह से कहते हैं कि भगवान राम को हम लेकर आए हैं। शिल्पा जी ये बार बार ये कहते हैं हम भगवान राम को लाए थे, और मेरी जो किताबें और मेरा जितना ज्ञान बन पाया छोटा सा, वो ये कहता है कि भगवान राम को माता कौशल्या और राजा दशरथ लाए थे। अब आप तय कर लीजिए भगवान राम को कौन लाए थे। जोशी साहब एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे जी, जब मैं राम भक्तों के बारे में पढ़ता हूँ तो आदरणीय आपके नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि राम भक्तों पर गोलियां मैंने चलवाई, तो राम भक्त को मैं भी नहीं समझ पा रहा आखिर मैं राम भक्त कौन है, और जब नेताजी ने डिसाइड कर दिया कि उन राम भक्तों पर गोलियां हमने चलवाई थी किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, तो वो भी मुझे मैं आप व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ, वो मुझे भी नहीं किताबों में देखने को मिलता कहीं कि राम भक्त का मतलब क्या है। आप यही तो ज्ञान वर्जन की जरूरत है, आज मैं आपका ज्ञान वर्जन कर देता हूँ चैनल के माध्यम से। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर माननीय मुलायम सिंह जी ने किसी ने भी धर्म की आड़ में वहां के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमने कार्रवाई बराबर की करी, ये आपकी सोच का अंतर है। लेकिन जोशी साहब बोल रही, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या निर्णय लिया अच्छी बात है, लेकिन आप सभाओं में कहें, राजनीतिक सभाओं में 10 साल बाद ये बातें कहें आकर के कि मैंने वो निर्णय किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए गोलियां चलवाई थी, तब सवाल खड़े होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका दायित्व एक होना चाहिए। मैसेज तो पहुंच गया जहां पहुंचना था। ठीक है, एक बात से मेरी आप इत्तेफाक रखेंगे सारे पैनलिस्ट कि आपको सबको मानना पड़ेगा भगवान राम को माता कौशल्या और राजा दशरथ लाए। अरे ठीक है उसमें हम कहा मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जोशी साहब, आप तो एक ही बात पर चिपक गए हैं सर। चलिए ठीक है, गिरी साहब बहुत देर से जवाब देना चाह रहे, मैं आपके पास आते, लेकिन डॉक्टर वरुण पुरोहित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। डॉक्टर वरुण देखिए सर, सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है ये? ठीक है आप लोग राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, चुनाव है, जाहिर सी बात है वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन देश की, इस समाज की चिंता किसे करनी है वो भी तो आप लोगों को ही करनी है, वो कैसे होगी सर? आज देश का नागरिक आपसे ये जानना चाहता है। ठीक है राजनीति करनी है कर लीजिए, लेकिन हिंदू मुसलमान भाईचारे को कैसे बचाया जा सकेगा? शिल्पा जी, कांग्रेस अगर ऐसे करती होती तो इतने साल में, मैंने कहा ना, एस्टेब्लिश नहीं रहती कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। चलिए खैर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है,
अपना जो भी प्रयास कर रही है महंगाई बेरोजगारी निजीकरण से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, वो उनका अपना आउटलुक है किस हिसाब से वोट लेना चाहते हैं। जो अभी डिरेल हो रही थी बार बार डिबेट, ये डिबेट हो रही है एनक्रोचमेंट के ऊपर। जो वसुंधरा जी ने मंदिर गिराया था वो एनक्रोचमेंट नहीं था, ये डिफरेंस है अलवर में और इसमें। तो ये डिफरेंस हमको समझना होगा। जहां तक आस्था स्थल की बात है, हाँ। तो केंद्र में भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, हमको यूनिवर्सल सोच रखना चाहिए कि आस्था स्थल कोई है तो उसको एनक्रोचमेंट माना जाएगा कि नहीं। क्योंकि मैं कांग्रेस बीजेपी से उठ करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उसने वो प्रस्ताव पारित किया है। बीजेपी कांग्रेस को दोषित करने की बजाय वो बोर्ड को दोषी ठहराइए कि आप एनक्रोचमेंट हटा रहे थे तो आपने मंदिर को क्यों हटाने की बात की। अब वसुंधरा जी ने जब मंदिर हटाया वो एनक्रोचमेंट नहीं था। तो यूनिवर्सल बातें करनी चाहिए। जो नेता अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप क्रिटिसाइज कीजिए, जो गलत नहीं कर रहा है उसको आप क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर जबरदस्ती। Exactly. अशोक गहलोत ने किया, अशोक गहलोत ने, हाँ। ये चीजें नहीं कर करके ना इसको आप एनक्रोचमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री, लेकिन आप उसको कैसे रोकोगे? उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोग आएंगे बेचारे कहीं तो रहेंगे। दोषी जो है, अभी कौशिक जी आपने एक बात कही थी कि जो दोषी है अधिकारी जो एनक्रोचमेंट होने देते हैं, फिर वही बाद में पैसे खा लेते हैं एनक्रोचमेंट करा के, फिर वही तोड़ने आ जाते हैं। तो जब तक उन दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, अगर उन अधिकारियों का मकान तोड़ दिया जाए एक बार अभी, तो वो एक नजी एहसास होगा। बिल्कुल, बहुत 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 वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया है। ठीक है, फिर कैसे इसे गलत ठहरा दिया जाए बताइए जरा। कि मैं तो पहले से कह रहा हूँ, डे वन से कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ आपको, और अभी भी वही बात कहूंगा कि शिफ्टिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको हटा दीजिए। विध्वंस कर रहे हैं आप, 300 साल पुराने मंदिर को आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट हो जाएगा, कोई आके बस जा रहा है। अबे 300 साल पहले का मंदिर है, वो आज की बात नहीं है। 300 साल पुराना मंदिर है, भगवान श्री का सनातन पुराना मंदिर है। फिर पॉलिटिक्स पे आ जाते हो, हटाना चाहते हो, कोई विकास का काम करते चाहते हो। अरे वसुंधरा जी ने किया तो सही था भाई। आज बात बस भाई साहब ऐसा है, बरुण जी आप मेरे ख्याल से तमीजदार आदमी होंगे, आपके बीच में मैंने बोला क्या? आपने जो आरोप लगाया मैंने उसको बोला मैं जब भी तो आपको आप हिंदू सब कहां से उत्पत्ति हुई आप समझना चाहते हैं, और आपके नेता हिंदू तो समझाना चाहते हैं, हिंदुवाद समझाना चाहते हैं। आपके नेता और आप में तारतम्य ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस तो कंफ्यूज हो चुकी है कि करे क्या। कांग्रेस का कंफ्यूजन इतना भयानक है कि कांग्रेस को ले डूबेगा। और कांग्रेस को इस देश की जनता ने जब पहचान लिया तो पूरे देश से खारिज कर दिया। रहे सहे एक दो जगह बचे हुए, वहां से भी साफ होने वाले हैं आप लोग। और रही बात, हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब मैं इतिहास में पढ़ता हूँ, जब मैं इतिहास में जाता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चा मंदिर में जाता है, गाता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौन कहता है कि हम राम को लेके आए थे? राम चनातन है, सनातन है, पुरातन है, इस देश की संस्कृति है, इस देश का जीवंत मूल रूप है, राम आदर्श है इस देश का। गिरवासी बनवासी पुरवासी सबके राम है, घट घट में राम है। हमारे जीवन की पूरी यात्रा राम की यात्रा है। हे राम से शुरू होकर राम राम सत्य पे समाप्त होती है। और सबसे बड़ी बात है, राम को हम लाए नहीं, लेकिन आप राम को आज क्यों याद कर रहे हैं? राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, सरजू के पानी को राम भक्तों के रक्त से लाल करने वाले, आज कह रहे हैं कि कणकण में राम है। ये भाजपा की देन है, ये हिंदुत्व का जागरण है, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज की देन है कि आज भुवन जोशी उस पार्टी में है जिस पार्टी की टोपी लगाए है और आप लोगों ने बना दिया है। अपने विरोधियों को शाही करने के लिए, उन्हें उन्हें कुचलने के लिए बुलडोजर को आपने भय का प्रतीक बना दिया है। क्या ऐसा है महंत राम प्रवेश दास महाराज, बुलडोजर वाकई में भय का प्रतीक बनता जा रहा है? विकास कार्य के लिए बुलडोजर हो रहा है, कोई अवैध कब्जा किया उसको हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंदिर जो तोड़ करके 300 बरस पुराना जो मंदिर है, जो हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उसको तोड़कर मंदिर को में स्थित भगवान शिव की मंदिर मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, हमारे हिंदू कभी भी चलते फिरते अगर कहीं मंदिर देखते ठाकुर जी की मूर्ति तो साष्टांग दंडवत प्रणाम शुरू करते, उस मंदिर को मंदिर से ठाकुर जी को के परम विग्रह को तोड़ना, ये तो बिल्कुल ही निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक निवेदन, आप जाकर के अगर ऐसी भी बात है तो देश में जितने अवैध कब्जे हैं सभी को तोड़ा जाना चाहिए,
कुल मिलाकर जब मंदिर मस्जिद को तोड़ने की बात आती है तो ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, आस्था को ठेस पहुंचती है। इसको लेकर थोड़ी सी संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए, उसी हिसाब से आगे कार्रवाई कौन जान दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग जल्दी से फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। सबसे पहले उमेर खान, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर। मैडम, ये जो बिल्डोजर की राजनीति चल रही है, हाँ? ये सिर्फ विरोधियों को दबाने के लिए और मुस्लिम कौम को दीवार से लगाने की कोशिश का हिस्सा है। आप देखिए, जो भाजपा में होता है वो पाक और साफ और दूध का धुला होता है। जो भाजपा से चला जाता है उसके ऊपर खहर ढा दिया जाता है और उसके ऊपर ईडी, सीडी, सीबीआई, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सारा दोष उसके ऊपर आ जाता है और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैडम, ये देश के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये डर आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। डॉक्टर वरुण, फाइनल कमेंट आपका। जी मैडम, बे सारा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण से ध्यान हटका के चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। साल भर तक होगा ये, आप देख लीजिएगा। इनको कोई हिंदू धर्म से या भारतीय संस्कृति से लेने देना नहीं है। आप इनके सारे बाबा देख लो, कांग्रेस कांग्रेस करते हैं। भाई जब बाबा हो गए, साधु संन्यासी हो गए, तो आप काहे की कांग्रेस, काहे की भाजपा, आप तो मानवता की बात करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये आप, ये लोग क्या करना चाहते हैं? हिंदू शब्द का उपयोग करके सारा ठेकेदारी अपने आप लेना चाहते हैं कि भगवान भी इनके, मंदिर भी इनके, और विध्वंस तो ये खुद कर रहे हैं। वाराणसी में क्या किया इनसे पूछिए आप, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। वसुंधरा जी पे कोई नहीं बोल रहे हैं कमेंट, खाली कांग्रेस कांग्रेस। अगर आप में रियल में आप बाबा लोग हो तो आप वसुंधरा जी पे भी इक्वल कमेंट करो, अशोक गहलोत पे भी करो। ये नहीं कर पाएंगे, खाली वोटों की राजनीति इनको करनी। चले ठीक है, वोटों की राजनीति करने के मकसद के साथ देखिए बुलडोजर को कितना रूप दे दिए गए। जोशी भास्कर साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित कर राज्य कोई सा भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो या राजस्थान हो, निश्चित तौर पे ये अपने विरोधियों को और अपने निश्चित तौर पे ऐसे लोग एक अपने विरोधियों को निपटा रहे हैं और एक धर्म विशेष पर टारगेट इन लोगों का है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसे हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि देश की गंगा जमुना तहजीब सुरक्षित रहे। देश की गंगा जमुना तहजीब सुरक्षित रहे, कैसे रहेगी ये सुरक्षित? डॉक्टर सुनील कौशिक, नहीं देखो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है और विपक्ष का काम है कि हर एक चीज पे आरोप लगाना, लेकिन ये सरकार का भी दायित्व बनता है। मैं फिर आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि घर से स्टार्ट करिए आप उस चीज को। विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई अपने नेताओं के खिलाफ या अपने जुड़े हुए लोगों के खिलाफ रखिए। और दूसरा मेरा बस सरकार से ये कहना है, कुछ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग अपनी वाईवाई लूटने के लिए इन सब चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो एक निगरानी रखने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, राजनीति तो नहीं अधिकारी कर रहे ब्यूरोक्रेसी वाले, या कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के साथ वो लोग मिले हुए हैं इसलिए वो टारगेट कर रहे हो। क्योंकि नोएडा की कल घटना जो है, यदि मैंने उसकी समीक्षा की तो निश्चित तौर से निकल के आया मेरी समीक्षा में कि अधिकारियों ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो कल की कार्रवाई की है वो बिल्कुल सत्य है। तो ये सरकार में बैठे हुए लोगों को समझना पड़ेगा, क्या वास्तव में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? और दूसरी, फिर मैं कहूंगा, सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों से शुरुआत करे, तो ये बिल्कुल आरोप नहीं लगेगा कि आप किसी एक वर्ग को टारगेट करके कर रहे हैं, कि विपक्ष के नेताओं को लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं। यदि आपको वास्तव में कार्रवाई करनी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और फिर मुख्यमंत्री का ऐसा नेचर नहीं है, फिर इस बात को मान के चलिए, कुछ लोग हैं ऐसे जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो। मुख्यमंत्री को इस पे नजर बनाए रखने के लिए एक सशक्त कमेटी बनाने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ महंत राम प्रवेश दास महाराज जी भी है। महाराज जी, आपका फाइनल कमेंट, और जाते जाते जरा ये बताइए, अगर मुसलमानों को लग रहा है उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, तो हिंदुओं को क्या करने की आवश्यकता है? क्या उन्हें गले से लगाकर आश्वस्त नहीं किया जाना चाहिए? चलिए, लगता है संपर्क हमारा कट गया है। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी जी जुड़े हुए हैं। गिरी साहब, फाइनल कमेंट आपका, कैसे आश्वस्त करेंगे आप, कैसे विश्वास बहाल कर पाएंगे जिन लोगों को लगता है आप सिर्फ एक टारगेट को, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम जो बदले की भावना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करती ही नहीं है, जो पहले की है ना आगे करेगी, इसके लिए आप मुतमईन रहें, आश्वस्त रहें। और रही बात जो समाज कह रहा है, भाई आप अमेरिका से लेकर के सीरिया से लेकर के जॉर्डन से लेकर के ईरान से लेकर के इराक तक के दुनिया में हर जगह जहां देखिए, वहां प्रॉब्लम के जड़ में एक खास धर्म के लोग ही क्यों है?
उन्हें समझने की जरूरत है, इस देश की शांति और व्यवस्था के साथ उन्हें आत्मसात करने की जरूरत है, इस देश की संस्कृति के साथ उनको समरस होने की जरूरत है। ये अलग बात है कि दुनिया किसी देश के संविधान के साथ देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा, हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा, मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा, तभी इस देश को, इस समाज को और हिंदू मुसलमान के बीच के इस भाईचारे को, इस प्रेम को बचाया जा सकता है। वरना पॉलिटिकल पार्टीज तो कोई कसर छोड़ेंगी नहीं इसे डैमेज करने में, क्यों, वोट बैंक की खातिर। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।